पिछले व्लॉग में तुमने देखा होगा जो मेरा कज़न का काम था वो तो मैंने कर दिया ए टू जेड कंप्लीट, यानी कि ये जो खाला वगैरह इसकी सफाई करनी थी वो मैंने कर दिया ए टू जेड कंप्लीट। यार चलो जिसका भी काम था अब करना पड़ गया। तुम देख सकते हो अंदर की तरफ यार ये सारा क्लीन कर दिया है मैंने, जो गंद वगैरह था सारा, मतलब कि जो काट के दरमियान मेरा गिर गया था ना खाल के, वो निकाल के मैंने बाइट साइड पर रख दिया। मैंने कहा चलो यार पानी तो हमने ही लगाना है, लगाना तो उन्होंने भी था लेकिन उनका बहुत कम पानी था, हमारा पानी थोड़ा ज़्यादा था। मैंने कहा चलो इसलिए मेहनत मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। बाकी इस वक्त हालत फुल टाइट हुई पड़ी थी क्योंकि यार शाम के 5 बजे फुल गर्मी का टाइम है। हकीकत बात है ये वाला खाला सफाई किया है, हकीकत बात है बता नहीं सकता अपने एक्सप्रेशन कैसे हैं, बिल्कुल मतलब कि सैड हालत हुई पड़ी है यार क्या करूँ। असल में काम थोड़ा हार्ड है, हम इतना करते नहीं है ना, मैं तो दुकान पे होता हूँ फिर एकदम अचानक करना पड़ जाए तो यकीन करो सारी माता सटक जाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है फुल ए टू जेड। बाकी यार तुम्हारे भाई ने कर दिया खाले की सफाई, आगे वाले व्लॉग में तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने पानी कैसे लगाया क्यों किस तरह और कैसे हुआ क्या सीन हुआ ए टू जेड स्टोरी। लेकिन तुम यार ये हमारा काम एक ही होता है, जब लोग तुम तो बात करते हो ना उसको यार लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो भी अच्छा सा कमेंट कर दिया करो यार। हकीकत बात है तुम लोगों की यार लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब देख के ना थोड़ी मोटिवेशन होती है, जिससे यार दिल करता है कि और व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ। बाकी यार मैं आगे वाले व्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।